हम, हमारी पृथ्वी, हमारा सन और हमारी पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। और अगर हम मल्टीवर्स थ्योरी को सच माने तो हमारा यूनिवर्स खुद मल्टीवर्स में मौजूद कई सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स है। अब ये सवाल उठता है कि यूनिवर्स का शेप क्या होता है। दोस्तों, यूनिवर्स के शेप को लेकर काफी सारी थ्योरीज बनी है, जिनमें से एक के मुताबिक यूनिवर्स स्फीयर शेप का होता है और बबल के अंदर होता है। एक और थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स फ्लैट शेप का होता है, और यहाँ तक कि एक थ्योरी ये भी कहती है कि यूनिवर्स डोनट शेप का भी हो सकता है। अब हमें ये तो नहीं मालूम कि कौन सी थ्योरी सही है, और वैसे इसीलिए तो इसे थ्योरी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीवर्स एग्जैक्टली होता क्या है, और मैं आप लोगों को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं विजन ऑफ स्पेस। 1954 में ह्यू एवरेट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार मल्टीवर्स थ्योरी को सामने लाके रखा। उनकी थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, और फिर वो दोनों हिस्से एक खुद का यूनिवर्स फॉर्म कर लेते हैं, और इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल वर्ल्ड्स थ्योरी। और उस समय से अब तक ऐसी तमाम थ्योरीज बन चुकी हैं जो ये बताती हैं कि मल्टीवर्स कैसा होगा। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तब यूनिवर्स हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना करियर चूज करना है, और आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है और एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट है, तो आपने सिंगिंग का करियर चूज किया और आप आगे जाके सिंगर बन गए। लेकिन जिस समय आपने अपना करियर डिसाइड किया था, उसी समय यूनिवर्स दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया था। एक यूनिवर्स में तो आपने सिंगिंग का करियर चूज कर लिया, और जो दूसरा यूनिवर्स है उसमें आपने एस्ट्रोनॉमी का करियर चूज किया होगा और आप आगे जाके एस्ट्रोनॉमर बन गए होंगे। थोड़ा और अच्छे समझने के लिए ये देखिए फ्लो चार्ट। इसमें एक यूनिवर्स है और आपने डिसीजन लिया, ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया और यूनिवर्स फॉर्म कर लिया। ऐसे ही वो और हिस्सों में स्प्लिट हो गए, और वो और ज्यादा हिस्सों में स्प्लिट हो गए। ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट यूनिवर्सेस फॉर्म हो गए, और ये जो सारे यूनिवर्स हैं वो सब पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। और ये जो सारे पैरेलल यूनिवर्स मिलके एक सिंगल रियलिटी फॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं पैरेलल यूनिवर्सेस के ग्रुप को हम लोग कहते हैं मल्टीवर्स। अब दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स हैं वो एग्जैक्टली हमारे यूनिवर्स जैसे हो, वो हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग हो सकते हैं, बिल्कुल एक मिरर वर्ल्ड जैसे। हो सकता है कि वहाँ के फिजिक्स के लॉज यहाँ से अलग हों, और वहाँ की जो पृथ्वी है उसे पानी ब्लू कलर का नहीं बल्कि रेड कलर का हो, और इसी वजह से उसे रेड प्लैनेट कहा जाता हो, और वहाँ के रहने वाले क्रिएचर्स भी यहाँ से काफी ज्यादा अलग हो सकते हैं। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक दूसरा मिरर वर्ल्ड हमारे यूनिवर्स से किस तरह से अलग होगा। अब जरा डार्क मैटर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, डार्क मैटर को हम लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट्स को हम हर जगह फील कर सकते हैं। वो पूरे यूनिवर्स में हर जगह फैला हुआ है, लेकिन जो डार्क मैटर है वो हमारे यूनिवर्स के मैटर से नहीं बना है। तो हो सकता है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में लीक हो रहा हो, और अगर हम वो स्पॉट ढूंढ लिए जहाँ से डार्क मैटर लीक हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें पैरेलल यूनिवर्स तक जाने का एक पोर्टल मिल जाए। और साइंटिस्ट भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिनसे पैरेलल यूनिवर्स को प्रूव किया जा सके, और हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट करते वक्त पैरेलल यूनिवर्स तक का एक पोर्टल खुल जाए, लेकिन वो पोर्टल बहुत ज्यादा छोटा होगा, एकदम सब एटॉमिक लेवल का, तो उससे हम लोग तो आर पार नहीं जा सकते होंगे। लेकिन साइंटिफिक मशीन्स की मदद से हो सकता है कि हम वहाँ से थोड़ा बहुत डाटा कलेक्ट कर सकें। अभी शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे पैरेलल वर्ल्ड्स को प्रूफ क्यों करना है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये कूल नहीं है कि आपके ही इनफाइनाइट वर्जन्स दूसरे यूनिवर्स में रह रहे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आपको उनसे मिलने का मौका भी मिले। और जब भी आप कभी डिसीजन लेते हैं तो यूनिवर्स और हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है, और इसका एक और रीजन भी है कि वो हमें काफी सारे फील्ड्स में हेल्प कर सकता है, जैसे कि मेडिकल की फील्ड में। हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में उन्होंने किसी ऐसी बीमारी का इलाज निकाल लिया हो जिसका इलाज अब तक हम नहीं ढूंढ पाए हो, और उनसे हमें वो मेडिसिन मिल जाएं जिनसे उन बीमारियों को क्योर किया जा सके। और इसी तरह से काफी सारी फील्ड्स में हमें हेल्प मिल सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, और हमारे साथ यूनिवर्स के सफर में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।